देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम कोई काम धंधा तो कर लो, ऐसे भी क्या जल्दी पड़ी है। अम्मा काम धंधा तो होता रहेगा, और मैं भला अभी तो नहीं कह रहा ना कि मेरी शादी अभी करा दो, बस जमाल भाई के निकाह वाले दिन ना मेरी मंगनी की बात छेड़ दो, बाकी सब हो जाएगा। तुम तो बहुत हद से सरसों जमा रहे हो, वो मानेंगे नहीं। अरे अम्मा तुम बात करोगी तो जरूर राजी हो जाएंगे, बस जरा दबंग स्टाइल में ना दो टोक कह देना कि फायजा का रिश्ता मेरे बेटे कमाल के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। लेकिन कमाल मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। अरे मेरी प्यारी अम्मी, आपके लिए भला कोई काम नामुमकिन हो सकता है? बस आप ये कह देना कि आपकी ख्वाहिश है कि फायजा आपकी बहू बने, और अगर आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो आप समझदार हैं। एक काम करें, आप उनको फोन करें, मतलब मैं फोन करके देता हूँ, अभी हाँ अभी उनकी अम्मी से बात करें। अच्छा हाँ अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम सलाम भाई, आपके पैसे ही नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा दुआ सलाम ही कर लूं। माफ कीजिएगा नियाज भाई, वो शादी के बखेड़े में फुर्सत ही नहीं मिली, असल में बहुत काम है, बेटी की शादी है। अब मैं ऐसा करूंगा अगले महीने ना आपको डबल किस्त अदा करूंगा इंशाल्लाह। चले देख लें, कोई परेशानी ना हो जाए आपको। बस नियाज भाई दुआ कीजिएगा, बस एक बार बेटी को रुखसत कर दो तो बस कोई टेंशन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, जैसी आपको बेहतर लगे। खुदा हाफिज। बड़ी नवाजिश। वालेकुम सलाम। अम्मी अम्मी अम्मी, हाँ क्या हुआ है बेटा? क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है ना? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? जमाल की अम्मी का फोन आया था मिलिया, वो शादी वाले दिन कमाल और फायजा की मंगनी का कह रही है। अब ये कौन सा नया तमाशा लगा दिया उन लोगों ने? मुझे उनके आसार अच्छे नहीं लग रहे मलिया। तुम्हारे अब्बू सुनेंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, वो तो पहले इतने मसलों में उलझे हुए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, आज इतनी जल्दी घर आ गए, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मी तो आई थिंक ऊपर रूम में है। आया मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए?